गाइस क्रिकेट लवर्स के लिए आज का ये मुकाबला है बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एक तरफ देखोगे इंडिया सामने खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आमने सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाली है। अब इस मैच में कौन सी टीम किस पे भारी पड़ने वाली है एक एक करके बताऊंगा, वहीं आपको कॉमन प्लेयर एनालिसिस करके भी देने वाला हूं कि मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे टीम क्रिएट करोगे। अब यहां पे देखना सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो टॉप के प्लेयर्स हैं भाई बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्या आज के इस मैच में अच्छा कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलता है तो कुछ अलग अंदाज में खेलता है, मतलब फॉर्म में भी आ जाता है खिलाड़ी, जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है वो भी आ जाता है, टक्कर का मैच होता है। लेकिन क्या इंडिया इस मैच को जीतने वाली है या फिर पाकिस्तान, ये एक एक करके मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आज के इस मैच में मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, तो कॉमन प्लेयर्स एनालिसिस हम करने वाले हैं जो सारे वीडियो में करते हैं, और ये जरूरी होता है ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन खिलाड़ी है जिनको ज़्यादातर लोग अपनी टीम में कंसिडर कर रहे हैं, उनमें से हमें छांटना होता है कि कौन सा प्लेयर है आज के इस मैच में फ्लॉप जा सकता है, तो वो एक एक करके बताऊंगा। ट्रंप कार्ड प्लेयर भी बताने वाला हूँ, मस्ट हैव पिक बताने वाला हूँ, प्लेयर मैचअप भी आपको बताने वाला हूं। ये मैच कल ना 9 जून को 8 बजे शाम को, मतलब के 19वां मैच है ये। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो भाई का, और साथ में बेल आइकन को जरूर से ऑल पे सेट कर लेना, वहीं आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। अगर डेली मैचों का प्रेडिक्शन या डेली मैचों का अपडेट अगर चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही जरूरी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां आप बड़े आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे भाई पिच का रिपोर्ट हम जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं न्यूयॉर्क का ये नसों क्रिकेट ग्राउंड है ना भाई, बहुत ही स्लो है, जहां पे आउटफील्ड भी आपको बहुत ही धीमा दिखेगा, जिसके कारण बल्लेबाजों को अपने समय पे बाउंड्री निकालना बड़ा ही मुश्किल का काम लगता है और मुश्किल होता भी है। वहीं पे आप देखेंगे तो यहां पर तेज गेंदबाजों को इनिशियल ओवर में अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है, जिसके कारण यहां पे सलामी बल्लेबाजों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो अब देखना यह बनता है कि भाई कौन सी टीम से कौन ऐसे सलामी बल्लेबाज है जो टॉप का परफॉर्म करने वाले हैं और कौन फ्लॉप जा सकते हैं, एक एक करके बताऊंगा। अब यहां पर सबसे एक चीज आपको समझने की ये जरूरत है कि ये जो ग्राउंड है ना, स्टार्टिंग में ये लगा था कि ये एडिलेड टाउन की मिट्टी से बना हुआ पिच है तो कहीं ना कहीं अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर ऐसा लग रहा था कि हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही स्लो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर वेन्यू स्टेट्स की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर सबसे हाईएस्ट स्कोर है 137 का, वहीं पर आप देखेंगे सबसे लोएस्ट स्कोर 77 का है। आगे हम बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट जानते हैं। इस ग्राउंड पे जो वेन्यू स्टेट्स है, टोटल मैचेस इस ग्राउंड पे आप देखेंगे, टोटल मैचेस ना 3 मैचेस यहां पे खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 1 मैच को विन किया, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले ने 2 मैचेस को विन किया, तो यहां पर चेस करना आसान हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पे एवरेज स्कोर की देखेंगे बात करें तो यहां पे 103 का ही एवरेज स्कोर है, 103 का ही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, यहां पर आपको 150 प्लस स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। अब स्कोरिंग पैनल पर भी आप नजर डालोगे तो 150 से नीचे ही ये 3 बार बना है, तो क्या ये पिच बैलेंस रहने वाला है या बैटिंग फ्रेंडली या फिर बॉलिंग फ्रेंडली, तो मैं आपको बता दूं ये पिच भाई बॉलिंग फ्रेंडली रह सकता है, जहां पर बॉलर्स को बैट्समैन के अपेक्षा ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। एक नजर यहां पे हम मौसम पे डाल लेते हैं, तो देखो यहां पर 13.9 डिग्री सेल्सियस यहां पे तापमान नापा गया है, वहीं पे ह्यूमिडिटी 70% है, लेकिन बारिश का कोई चांस नहीं है, तो पूरे इंजॉयमेंट के साथ पूरे 20 ओवर का मैच आपको बड़े आसानी से देखने को मिल सकता है, 20-20 ओवर का मैच। अब यहां पर देख लेते हैं इस ग्राउंड पर पिछला 3 मैचों का हम लेखा जोखा देखेंगे। दोस्तों आगे मैं आपको प्लेइंग 11 पर चल के ना सारा एनालिसिस करके देने वाला हूँ, चलो हम दे ही देते हैं आपको। देखो हम प्लेइंग 11 पर चलते हैं और यहाँ पर हम फाइनली आपको बताते हैं कि यहाँ पर कॉमन प्लेयर कितने हैं, ये जानना चूंकि आपका बहुत ही ज़रूरी है। देखो ये प्लेइंग 11 पर हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखो यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान का है कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर देखो कितने कॉमन प्लेयर हैं, तो ये आपको मैं बता दूँ, देखो मोहम्मद रिजवान ये कॉमन प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, बाबर आजम कॉमन प्लेयर आपको देखने को
मिलेगा। वहीं पे बात करें शादाब खान यहाँ पे कॉमन प्लेयर, और उसके बाद एक खिलाड़ी और शाहीन अफरीदी, ये चार ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमन है, जिनको अपनी टीम पे लोग 70-80% लोग अपनी टीम पे अभी से कंसिडर किए हुए हैं। अब आ जाता है यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग इलेवन इंडिया का, देख लेते हैं कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे देखो कॉमन प्लेयर कितने हैं, थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको आसानी हो। रोहित शर्मा यहाँ पे कॉमन प्लेयर, विराट कोहली कॉमन प्लेयर, उसके बाद ऋषभ पंत कॉमन प्लेयर, और आ जाओ यहाँ पे हार्दिक पांड्या कॉमन प्लेयर, ये चार हो गए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह कॉमन प्लेयर, ये पांच खिलाड़ी हो गए ना, ये पांच कॉमन प्लेयर यहां से आपको देखने को मिलेंगे और चार इधर से, टोटल 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमन हैं। तो क्या ये कॉमन प्लेयर हैं जिनको लोग ज्यादातर अपनी टीम में कंसीडर कर रहे हैं, ये सारे खिलाड़ी चलने वाले हैं या फिर इनमें से कोई फ्लॉप भी जा सकता है, इसके ऊपर हमारा फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर ग्रैंड लीग को अचीव करना है, ग्रैंड लीग को क्रैक करना है, सबसे टॉप पे रैंकिंग कराना है अपनी टीम को, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके सारा डेप्थ एनालिसिस आपको करके देने वाले हैं, टेंशन आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सीधा हम चलते हैं फिर वहीं पे जहां से हम आए थे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और आपको सारा हम एनालिसिस करके आपको देंगे यहां पर। तो देखो यहां पर हम आ जाते हैं, देखो ये तीन मैचों का लिखा जोखा हम यहां पे फिलहाल देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर 7 जून को 2024 को मैच हुआ था, तो यहां भी 137 स्कोर यहां पे बना था और 125 मतलब बांग्लादेश से 125 ही बना पाई। देखो 12 रन से ये मैच जीता गया था, तो यहां भी लो स्कोरिंग मैच हुआ था और ये डिफेंड करते हुए मैच को जीता गया था। अब यहां पर देखोगे पेसर को 9 विकेट मिले थे और स्पिनर को सिर्फ 3 विकेट मिले थे। आ जाओ यहां पर देख लो, यहां पर 5 जून 2024 को मैच हुआ था आयरलैंड और इंडिया के बीच में, यहां भी लो स्कोरिंग मैच हुआ था, 96 रन ही बना था, लेकिन इंडिया ने 97 रन बनाकर 12 ओवर में ही इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया था। अब देखो यहां पर पेसर को 9 विकेट मिले, उसके बाद को सिर्फ 2 विकेट। आ जाओ यहां पे देख लेते हैं, देखो यहां पर 4 जून 2024 को श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ। अब देखो श्रीलंका भी यहां 77 रन ही बनाया, मतलब लो स्कोरिंग मैच हुआ। अब यहां पे चेस करते हुए मैच को विन किया गया, यहां भी चेस करते हुए मैच को विन किया गया। अब देखो यहां पर पेसर 9 विकेट यहां भी लेकर गए और स्पिनर यहां पर 4 विकेट लेकर गए। तो आपने क्या देखा, यहां पर चेस करते हुए टीम मैच को जीत रही है, लेकिन बहुत ही मतलब लो स्कोरिंग मैच आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो कहीं ना कहीं 150 से ऊपर आपको स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। अब यहां पर जो विकेट्स है ना भाई, विकेट्स भी अच्छे खासे यहां पे गिरते हुए आपको दिखेंगे। अब कैसे, अब देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है ना, उसके इनिशियल ओवर में सलामी बल्लेबाज कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब इस कंडीशन में कैसे आप किसको ड्रॉप करोगे, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा, और पेसर कितने लेके जाना है, कौन पेसर विकेट लेगा, सब कुछ बताऊंगा भाई। देखो यहां पर आप देखें, आपने देखा एक चीज नोटिस किया कि यहां पर ज्यादातर विकेट पेसर को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी हम डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर हम बात कर ले पेसर वर्सेस स्पिनर, यहां पर सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये स्पिनर्स का एरिया है और वही ये पेसर का एरिया है जो यहां पर रेड कलर आप देख रहे हो। अब आ जाते हैं यहां पर, हम समझ लेते हैं। देखो यहां पर पिछले 3 मैचों में टोटल 36 विकेट मिले हैं, पिछले 3 मैचों में 36 विकेट गिरे हैं, 36 विकेट्स पिछले 3 मैचों में गिरे हैं, और देखेंगे आप तो 12 विकेट्स पर मैच में गिर रहे हैं ऑन एवरेज, ठीक है। अब देखो पेसर यहां पे 27 विकेट ले गए पिछले 3 मैचों में और स्पिनर 9 विकेट्स। अब पेसर को यहां पे फर्स्ट इनिंग में 20 विकेट्स मिले और सेकंड इनिंग में 7, यहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ताबड़तोड़ विकेट्स लेके जाता है भाई, ये चीज ध्यान में आपको रखना है। यहां पर जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगा ना, उसके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करके जा सकते हैं। अब देखो यहां पर बात करें स्पिनर्स की, तो यहां पर देखोगे 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग में और 5 विकेट सेकंड इनिंग में, तो दोनों इनिंग्स में क्वालिटी स्पिनर को आपको रखना है जो आपको विकेट्स लेकर दे, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम यहां पर देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पिछले 12 मैचों का, जब ये दोनों टीम आमने सामने हुई तो इनका क्या रिकॉर्ड रहा, क्या परफेक्ट रहा। तो देख सकते हो यहां पे 9 मैच इंडिया ने विन किया और सिर्फ 3 मैचेस को ना पाकिस्तान ने विन किया। तो वैसे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट यहां पर इंडिया का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है भाई। लास्ट 5 मैच की बात करें तो 5 मैच इंडिया जीत के आ रही है और 2 मैच यहां पर पाकिस्तान 5 मैच में लूज करके आ रही है और 3 मैच
को जीत के आ रही है। तो वैसे भी यहां पर इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान भी जब इंडिया के अगेंस्ट खेलता है तो अच्छा परफॉर्म करता है, हार जाए अलग बात है लेकिन परफॉर्म अच्छा करता है। वैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी अच्छे फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको मुमकिन देखने को मिल सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट जब मैच होता है तो यहां पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिख सकता है और दिखता भी है। और यहां पर बात कर लें, जब ये दोनों टीम आमने सामने हुई पिछले तीन मैचों में आप देखेंगे तो देखो यहां पर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करते हुए 159 रन बनाया था और इंडिया ने 160 रन बना करके मैच को विन किया था। ये है 23 अक्टूबर 2022 की बात, 4 विकेट से इंडिया ने मैच को विन किया था। अब देखो इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने 82 रन बनाया था, हार्दिक पांड्या ने 40 रन और यहां पर एच रोफ ने 2 विकेट लिया था। अब देखो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद ने 52 रन बनाया था और इफ्तिखार अहमद 51 रन और हार्दिक पांड्या 3 विकेट और अर्शदीप सिंह यहां पर 3 विकेट लेके यहां पर गया था, ठीक है ना। अब इस मैच में देखो डेट 4 सितंबर 2022, इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हुए 181 रन और पाकिस्तान 182 रन बनाकर के 5 विकेट से इस मैच को पाकिस्तान ने विन किया था। 2022 की बात है, इंडिया की तरफ से 60 रन बनाया था विराट कोहली और यहां पे रोहित शर्मा 28 रन, उसके बाद शादाब 2 विकेट लेके गया था पाकिस्तान की तरफ से और रऊफ 1 विकेट। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाया था और मोहम्मद नवाज 42 रन, उसके बाद हार्दिक पांड्या 1 विकेट लिया था इंडिया की तरफ से और सुदीप सिंह 1 विकेट लेके गया था। यहां भी देखो पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करते हुए 147 रन बनाया था, ये 28 अगस्त, ये भी 2022 की बात है, 148 रन बना करके इंडिया ने इस मैच को 5 विकेट से जीता था। अब इसमें भी विराट कोहली का के बल्ले से 35 रन निकल के आया था, जाडेजा 35 रन, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एम नवाज 3 विकेट, उसके बाद एन शाह ने 2 विकेट लिया था नसीम शाह ने। अब पाकिस्तान की तरफ से देखोगे तो रिजवान ने यहां पर 43 रन का योगदान दिया था, इफ्तिखार अहमद 28 रन, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट लेके गया था इंडिया की तरफ से, हार्दिक पांड्या 3 विकेट। तो ये चीज देख सकते हो, ये खिलाड़ी सारे हैं ना, अब इनमें से जो भी खिलाड़ी आपको मैच कर रहा है ना, उन खिलाड़ियों के ऊपर आप अपनी टीम में मतलब रिस्क ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आ सकता है। यहां पर देखा विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा करता है भाई, और मोहम्मद रिजवान भी अच्छा करता है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान आप देखेंगे पिछले कई मैचों से अच्छे टच में नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट आपको अच्छा खेलता हुआ दिख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर देख लेते हैं, देखो विनिंग जो चांसेस हैं तो यहां पर आप देखोगे इन पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया का 60% चांस है इस मैच को जीतने का, वहीं 40% पाकिस्तान का भी चांस है। तो 40% तो है भाई, तो कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान के ऊपर भी एक आध टीम बनानी चाहिए पाकिस्तान के फेवर में, ठीक है ना। चलो अब यहां पे बात कर ले ऑलमोस्ट मस्ट है पिक, इस मैच में फिक्स किसको लेके जा सकते हो, कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो यहां पे जसप्रीत बुमराह आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक हो सकता है, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और ऋषभ पंत, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं इंडिया की तरफ से जिनको आप सारी टीमों पे लेके जा सकते हो, अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो शाहीन अफरीद आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, फखर जमन और बाबर आजम, ये तीनों ना अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है आपको। वैसे मोहम्मद रिजवान भी इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, तो आप अपनी टीम में मोहम्मद रिजवान को भी रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहां पे सीबीसी का देख लेते हैं, सीबीसी का कॉम्बिनेशन आपको बताने वाले हैं, देखो किसके साथ किसको लेके जाना है। देखो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, ये तीनों कंटेंडर आपको इंडिया की तरफ से देखते हुए दिखने को मिल सकते हैं। अब वहीं पे शाहीन अफरीदी, फखर जमन, बाबर आजम, ये आपको पाकिस्तान की तरफ से मतलब दिख सकते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है, जसप्रीत बुमराह के साथ आप किसको रखोगे, तो जसप्रीत बुमराह के साथ आप यहां पे फखर जमन को लेके जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो हार्दिक पांड्या के साथ आप लेके जा सकते हो, तो यहां पे हार्दिक पांड्या के साथ आप यहां पे बाबर आजम को ट्राई कर सकते हो, उसके बाद विराट कोहली के साथ आप शाहीन अफरीदी को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर हार्दिक पांड्या के साथ शाहीन अफरीदी को ट्राई करना और यहां पे बाबर आजम के साथ विराट कोहली को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके माइंड में ये चीज है कि भाई ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो उस कंडीशन में विराट कोहली को भी कैप्टन बना सकते हो, उसके बाद बाबर आजम को भी बना सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया, वैसे एकाद रिस्की और भी आगे आपको मैं बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो ये पाकिस्तान का प्लेइंग 11 है, अब प्लेइंग 11 पे आप नजर डालोगे, देखो कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये दोनों ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, उस्मान खान, उसके बाद फखर जमन और शादाब खान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन अफरीदी, उसके बाद हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, कुछ ऐसा प्लेइंग 11 पाकिस्तान का रह
रह सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर हम ये इंडिया का प्लेइंग 11 है, देख लो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों ओपनिंग करते ही आपको नजर आएंगे। वहीं ऋषभ पंत वन डाउन पे, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। देखो भाई अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कौन कितने ओवर करेगा ये भी आपका जानना जरूरी है, तो चलो हम यहीं पर बता देते हैं। देखो पाकिस्तान की तरफ से आपको ये हारिस रौफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर तो नहीं, शाहीन अफरीदी, ये तीन खिलाड़ी है ना भाई, ये तीन खिलाड़ी आपको पूरे चार ओवर करता हुआ दिख सकता है, हारिस रौफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी। बाकी के ओवर देखो, बाकी इधर आठ ओवर बचते हैं ना, उसमें इफ्तिखार अहमद हो गया, इफ्तिखार भी जरूरत पड़ने पर कर सकता है, मोहम्मद आमिर आपको दो से तीन ओवर करता हुआ दिख सकता है, शादाब खान भी आपको ओवर करते हुए दिख सकते हैं, तो ये ओवर बढ़ सकता है। बाकी आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं, देखो इंडिया की तरफ से जो मेन बॉलर है वो है जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, ये आपको तीनों चार चार ओवर कर सकते हैं। वहीं पे बाकी के ओवर, देखो हार्दिक पांड्या भी ये चार ओवर फेंक सकता है, ये चीज ध्यान में रखना, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल में ये ओवर बट सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और एक एक खिलाड़ी के ऊपर देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। देखो ये विकेट कीपर सेक्शन है दोनों टीमों का खिलाड़ी है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा विकेट कीपर सेक्शन है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पर ऋषभ पंत खेलता हुआ दिखेगा आपको इंडिया की तरफ से, ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस पर नजर डालोगे, 36 रन 53 रन 33 रन, बहुत ही अच्छे टच में भाई, इंपॉर्टेंट रह सकता है, लेके जाना बनता है भाई। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान और आजम खान, मोहम्मद रिजवान के रिसेंट फॉर्म पर नजर डालोगे तो 9 रन 23 रन 0 56 75, इस तरह से भाई दो तीन मैचों से काफी फ्लॉप जा रहा है। वहीं पे अब बात करें हेड टू हेड में, तो चार मैच खेला हुआ है, 167 का एवरेज से खेलता है भाई, 65 के एवरेज से इंडिया के अगेंस्ट में खेलता है, वनी पे अभी तक खेला हुआ नहीं है। अब बात करें आजम खान की, तो आजम खान भाई बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है, तो लेने का मतलब नहीं बनता। देखो यहां पर एक से दो का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, ये दोनों के साथ भी आप जा सकते हो, और किसी टीम पे एक को लेके जाना। अब कब लेके जाना है, देखो सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग आए ना, तो आप इसमें से किसी एक को अपने हिसाब से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपको मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप भी करना है ना, तो फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है पाकिस्तान की तो ड्रॉप करना और यहां पर ऋषभ पंत को लेके जाना, बाकी आप दोनों के साथ भी ट्राई कर सकते हो। सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है मोहम्मद रिजवान की तो दोनों को आप लेके जा सकते हो, तो यह चीज मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते आगे यहां पर बैटिंग सेक्शन में हम देख लेते हैं, देखो यहां पर बैटिंग सेक्शन की हम बात कर ले तो देखो इधर से तीन खिलाड़ी आपको यहां पर दिख रहे हैं। अब मैं आपको सारे खिलाड़ियों का लिखा जोखा यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो एक मिनट बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा 52 रन पिछले मैच में शानदार पारी खेला था, 23 रन 68 रन, अभी तीन मैचों से बहुत अच्छा कर रहा है, तीन चार मैचों से, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा है रिकॉर्ड बंदे का। विराट कोहली का तो क्या कहना भाई, बहुत अच्छे रिकॉर्ड में है पाकिस्तान के अगेंस्ट, यहां पे देखोगे 10 मैच खेला हुआ है, 488 रन बनाकर 81 का एवरेज है, और वेन्यू पे तो खराब प्रदर्शन है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पे सूर्य कुमार यादव की बात करें, तो सूर्य कुमार यादव का बहुत खराब रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और यहाँ भी खराब रिकॉर्ड है, तो वैसे अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन कैसे लेके जाना है फाइनली बताऊंगा। देखो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम यहाँ पे 44 रन 36 रन 32 रन, बहुत अच्छे टच में है। उसके बाद यहाँ पे हेड टू हेड की बात करें, तो 4 मैच खेला हुआ, 92 रन बना करके 30 का एवरेज है। उसके बाद यहाँ पे उस्मान खान की बात करें, तो उस्मान खान 3 रन 38 रन 31 रन 16। देखो उस्मान खान भी अच्छा कर सकता है, अब देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे लेके जाना है। फखर जमन की बात करें, 11 9 45, इस तरह से मैच दो खेला हुआ हेड टू हेड में, और यहां पे 12 का ही एवरेज है, 25 रन बना हुआ। देखो यहां पर कैसे कितने खिलाड़ी आपको लेके जाना है चाहिए, तो मुझे लगता है 3 से 4 खिलाड़ी आपको लेके जाना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट कौन होगा, तो मेरा फेवरेट विराट कोहली ऑब्वियसली होने वाला है, रोहित शर्मा को मैं सेकंड इनिंग के लिए ट्राई करूंगा, सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है इंडिया की तो रोहित शर्मा के साथ मैं जा सकता हूं, अदरवाइज फर्स्ट इनिंग में मैं ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूं। अब सूर्य कुमार यादव को मैं फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकता हूं जब बैटिंग आए इंडिया की। अब देखो यहां पर बाबर आजम मैं दोनों कंडीशन में लेके जाऊंगा, बाबर आजम बहुत सूझबूझ से खेलता है, कहीं ना कहीं आपको टीम का हिस्सा बनता हुआ दिख सकता है। उस्मान खान की बात करें, उस्मान खान को मैं फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आए तो ट्राई करूंगा, जब मैं मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करूंगा, ठीक है। फखर जमन की बात करें, फखर जमन आपको मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जब बैटिंग आए तो आप ट्राई कर सकते हो, तो यह मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहां पर देखने वाले हैं, देखो यहां पर बात कर लें, अब शिवम दुबे और ये ऑलराउंड सेक्शन है, शिवम दुबे इंडिया की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा, अब परफेंस पर रिजल्ट डालोगे 0 31 0 11, इस तरह से नीचे भी आता है भाई, बहुत लॉन्ग डाउन द लाइन है,
तो अब मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो हार्दिक पांड्या की बात करें, ये बंदा ना पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा करता है, तो लेके जाना बनता है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे हेटवर्ड में 6 मैच खेला हुआ, 84 रन बनाकर 11 विकेट लेके गया हुआ भाई, उसके बाद वेन्यू पे 3 विकेट ले हुआ, तो इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा का हालांकि रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो बहुत खराब जा रहा है, लेकिन हेटवर्ड में 6 मैच खेला हुआ है, 50 रन बनाकर 4 विकेट लेके गया हुआ, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लें पाकिस्तान की तरफ से, तो शादाब खान आपको खेलता हुआ दिखेगा, 40 रन उसके बाद 0 विकेट और यहाँ पे 3 रन 0 विकेट। अब देखो इस मैच हेटवर्ड में देख लेते हैं, 4 मैच खेला हुआ, 15 रन बनाया हुआ और 3 विकेट दे हुआ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेके जा सकते हो। कैसे लेके जाओगे वो सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। इफ्तिखार अहमद की बात करें, इफ्तिखार अहमद यहाँ पे 18 रन 21 रन 23 रन। देखो इफ्तिखार अहमद एक ऐसा खिलाड़ी है ना, आपको डीम टीम में बनता हुआ दिख सकता है, वो भी फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन चाहो तो सेकेंड इनिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर झटके से विकेट भी ले सकता है, ये चीज ध्यान में करना, अगर विकेट ले लिया तो डीम टीम में कहीं ना कहीं बनता हुआ आपको दिख सकता है। यहां से कितने खिलाड़ी लेके जाओगे, मुझे लगता है कि यहां पर एक तो हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शादाब खान को भी ट्राई कर सकते हो। यहां पर मुझे लगता है कि 2 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 खिलाड़ी लेके जा रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या यहां पर मेरा फेवरेट है, उसके बाद इधर से फेवरेट कोई नहीं है, लेकिन मैं 2 खिलाड़ी लेके जा सकता हूं। यहां पर रविंद्र जडेजा को भी ट्राई कर सकता हूं, आगे और खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो बॉलिंग सेशन में हम आ गए, यहाँ पर पेसर की बात कर लें तो इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। अब बात कर लें यहाँ पर, देखो जसप्रीत बुमराह 2 विकेट 1 विकेट लगातार विकेट ले रहा भाई, उसके बाद हेटवर में देखोगे 3 मैच खेला हुआ है, 2 विकेट ले हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे वेन्यू पे यहाँ पे 1 मैच खेला हुआ है, 2 विकेट ले हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहम्मद सिराज की बात करें, लगातार विकेट ये भी ले रहा, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो अभी तक हेटवर में रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच खेला हुआ, 1 विकेट लिया हुआ है। वहीं पे अर्शदीप सिंह की बात करें, लगातार विकेट ले रहा है, आप देख सकते हो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लगातार विकेट ले रहा है, और हेटवर्ड में 3 मैच खेला हुआ, 6 विकेट लेके गया हुआ है अर्शदीप सिंह, इंपॉर्टेंट रह सकता है भाई। और वेन्यू पे 1 मैच खेला हुआ, 2 विकेट लेके गया हुआ है। आ जाते यहाँ पे साइन अफरीदी की बात करें, तो देखो यहाँ पर 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट उससे पहले लगातार 3 विकेट ले रहा है, हेटवर्ड में 2 मैच खेला हुआ, 3 विकेट लेके गया हुआ है, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। हरीश रऊफ की बात करें, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पर तो 4 मैच खेला हुआ, 4 विकेट लेके गया हुआ, लेकिन शाहीन अफरीदी का जलवा रह सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने बोला है कि आप मतलब कॉम्बिनेशन लगा सकते हो सीबीसी का भी, ठीक है। नसीम शाह की बात करें, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट इस तरह से 3 मैच खेला हुआ है और 4 विकेट लेके गया हुआ, नसीम शाह भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब यहां से कितने खिलाड़ी लेके जाना है वो आपको बताऊंगा, उससे पहले हम एक नजर हम यहां पर एक और डाल लेते हैं। देखो यहां पर अक्षर पटेल आपको खेलता हुआ दिखेगा, अक्षर पटेल खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद यहां पर यहाँ पे देखो मोहम्मद आमिर खेलता हुआ दिखेगा। देखो अक्षर पटेल के परफॉर्मेंस पे नजर डालोगे, 1-1 विकेट लगातार ले रहा है, कहीं ना कहीं ड्रीम टीम में आपको बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे हेड टू हेड में बात करें, 1 मैच खेला हुआ, 2 विकेट लेके गया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद वेन्यू पे 1 मैच खेला हुआ, विकेट नहीं मिले हुए, लेकिन हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, तो आप ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद आमिर की बात करें, देखो 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और यहाँ पे हेड टू हेड में 2 मैच खेला हुआ, 4 विकेट लेके गया हुआ, हेड टू हेड में इंपॉर्टेंट रहेगा मोहम्मद आमिर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब चलो यहाँ से आप कितने खिलाड़ी लेके जाओगे फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं। चलो यहां पर आ जाते हैं, देखो यहां से आप कितने खिलाड़ी लेके जा सकते हो, तो मुझे लगता है कि यहां से 4 से 5 का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। मेरा जो फेवरेट होगा ये जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट होगा, उसके बाद यहाँ पे अर्शदीप सिंह मेरा फेवरेट होगा, और अक्षर पटेल को भी मैं अब ट्राई करूँगा कुछ टीमों पे, ठीक है ना। यहाँ से मेरा नसीम शाह फेवरेट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे शाहीन अफरीदी फेवरेट रहेगा। देखो यहाँ पर ये 2-4 खिलाड़ी मैंने फेवरेट बता दिया, आप 5 भी लेके जा सकते हो, ज़्यादा रिस्क टेकर हो तो 6 को भी ट्राई आप कर सकते हो, लेकिन 5 ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे चल के, यहाँ पर देखो कौन कब ओवर करने आएगा वो बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग ओवर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज करता हुआ दिखेगा। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप अगर खेलता है तो देते ओवर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान की तरफ से स्टार्टिंग ओवर यहाँ पे शाहीन और मोहम्मद आमिर, वहीं पे मिडिल ऑर्डर में आपको हारिस रऊफ, शादाब और इफ्तिखार, डेथ ओवर यहाँ पर शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अकॉर्डिंग बॉलर्स को इजीली आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्लेइंग 11 में हम चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कैसे लेके जा रहे हैं। तो फाइनली देखो यहाँ से
जो ग्रैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना भाई, देखो मोहम्मद रिजवान इस मैच में अच्छा कर सकता है चूंकि इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करता है। बाबर आजम भी आपको ऑन एवरेज खेल के दे सकता है। अब देखो उस्मान खान को, देखो मोहम्मद रिजवान को फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है पाकिस्तान की तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। उस कंडीशन में यहाँ पर उस्मान खान और फखर जमन में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इफ्तिखार अहमद को भी फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना जब आप उस्मान खान को ड्रॉप करने का रिस्क लेना। देखो यहाँ पे आप नसीम शाह को ट्राई कर सकते हो और मोहम्मद आमिर को भी ट्राई कर सकते हो, चूँकि मोहम्मद आमिर को मतलब अच्छे खासे विकेट्स मिल सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। साइन अफ्रीदी को आप ड्रॉप करने का चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आए पाकिस्तान की तो साइन अफ्रीदी को आप ट्राई करना। अब देखो यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग ये देख लेते हैं इंडिया का, तो देखो यहाँ पे रोहित शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, रोहित शर्मा को आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आए तो आप रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। विराट कोहली को दोनों कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो, ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हो, उसके बाद सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, हार्दिक पांड्या को लेके जाना है। यहाँ पे अक्षर पटेल को भी ट्राई कर सकते हो, जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह को ट्राई आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन खिलाड़ी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ ऋषभ पंत सीबीसी का कंटेंडर बन सकता है जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए इंडिया की तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप अर्शदीप सिंह के साथ भी आप जा सकते हो, ये रिस्की है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो यार, लास्ट टाइम है, कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।